हेलो प्रबंध, तो नीट एग्जामिनेशन पोस्टपोनमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रुझान आना शुरू हो चुका है, ठीक है ना। अभी थोड़ी देर पहले जस्ट एक आर्टिकल जारी किया गया, मैं उस आर्टिकल में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले का ये आर्टिकल जारी किया गया है। इस आर्टिकल के अनुसार आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट टू हियर पीएलएस सीकिंग रिशेड्यूलिंग ऑफ मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद यहाँ पे की गई है, ठीक है। लेकिन देखिए, पब्लिक नोटिस एक जारी किया गया था 13/7/2021 को, उसके अनुसार एग्जामिनेशन होना था दोस्तों 12/9/2021 को, यानी कि 12 सितंबर को एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाना है एनटीए की तरफ से। लेकिन जो आर्टिकल जो यानी कि जो पीएल फाइल किया गया था, तो ये जो 13 तारीख को आर्टिकल जो जारी किया गया था इसके अनुसार, यानी कि 13 तारीख को जो पब्लिश नोटिस जारी किया गया था जिसके अनुसार 12/9/2021 को एग्जामिनेशन होना है, इसको रद्द करने की मांग स्टूडेंट के द्वारा की जा रही है, ठीक है ना। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आर्टिकल 14 को वायलेशन किया गया, यानी आर्टिकल 14 के खिलाफ ये जो चीजें हो रही है, ठीक है ना, देश में। तो थोड़ा सा मैं आर्टिकल 14 के बारे में बता दूं कि आर्टिकल 14 क्या है, यानी कि स्वतंत्र रूप से, जैसे देखिए भारत में कोई भी व्यक्ति जो होता है वो स्वतंत्र अपने आप में, ठीक है ना। लेकिन अगर उसके स्वतंत्रता पर कोई अगर मनमानी करता है तो इसमें आर्टिकल 14 के खिलाफ आप पीआईएल फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो वही किया गया, यानी कि भारत में बहुत सारे लोग चाह रहे थे कि नीट के एग्जामिनेशन को एक्सटेंड किया जाए, तो आर्टिकल 14 के जो अब हवाला देकर के लिखा गया है कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो, लेकिन एनटीए नहीं चाह रही ऐसा, या फिर भारत की गवर्नमेंट नहीं चाह रही है, तो इसीलिए आर्टिकल 14 का हवाला देकर वो पीआईएल फाइल किया गया, ठीक है। आगे क्या है मैं आपको दिखाता हूं। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया कि आज उसका फाइनल डिसीजन आने वाला है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आज आने वाला है, जो पब्लिक नोटिस 13 तारीख को जारी किया गया था, 13 जुलाई को रिशेड्यूलिंग, 12 तारीख को एग्जामिनेशन होना है, उसी के डेट को एक्सटेंड करने की बात यहां पे पूरी पूरी तरीके से की जा रही है। तो थोड़ा सा इस बात का जिक्र किया गया, डॉक्टर विनीत जोशी ने कहा था, यानी कि डीजी जो हमारे डायरेक्टर जनरल है एनटीए के, उन्होंने कहा था इंडिया टीवी के आर्टिकल में, इंडिया टीवी का एक आर्टिकल जारी किया गया था जिसके, हालांकि इस आर्टिकल को कई सारे लोगों ने गलत बताया, उसमें कहा गया था कि नीट एग्जामिनेशन पोस्टपोन नहीं किए जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये आर्टिकल सच में, क्योंकि अगर ऐसा विनीत जोशी सर ने कहा था तो ये कहीं भी ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जारी नहीं किया गया था, जिसके कारण लोग मान रहे कि ये चीजें गलत है, ठीक है ना। दोस्तों उसमें एक और सवाल खड़ा किया गया कि रिगार्डिंग एन इंक्रीज ऑफ अटेम्प्ट ऑफ नीट, यानी कि जिस तरीके से जेई के अटेम्प्ट को इंक्रीज किया जा रहा है, ठीक है ना, जेई के 4 अटेम्प्ट एक साल में लिए जाते हैं, उसी तरीके से नीट के भी कम से कम 2 अटेम्प्ट, यानी कि इन अटेम्प्ट को इंक्रीज करने की मांग भी की गई है सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है ना। तो यहां पे आप देख सकते हैं बहुत बड़ी अपडेट यहां पे है। लेकिन एनटीए ने ऐसा कहा था कि अगर ये अटेम्प्ट मल्टीपल अटेम्प्ट करने की मांग कर रहे तो ये हेल्थ मिनिस्टर के हाथ में है, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो हेल्थ मिनिस्टर को जरा ये स्टेज समझना चाहिए कि अगर आप जेई के 4 अटेम्प्ट करवा रहे हो तो प्लीज आप नीट के भी कम से कम 2 अटेम्प्ट तो करवा ही करवाएं। और जिस तरीके से इस बार बच्चे परेशान, इस बार तो जरूरी है कि कम से कम 2 अटेम्प्ट होना ही जरूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कई सारे एग्जामिनेशन का हवाला देकर के भी यहाँ पे कहा गया कि एग्जामिनेशन को दोस्तों इसके डेट को एक्सटेंड किया जाए, ठीक है। हालांकि धीरे धीरे करके सुप्रीम कोर्ट से नोटिस जो निकलकर सामने आ रही है, बातें निकलकर सामने आ रही है, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगा इसके बाद तो हम आप सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से देंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जैसे ही लेटेस्ट अपडेट आएगी तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो आपके तक पहुंच जाएगी, ठीक है। अभी बहुत ही ज्यादा अपडेट आने वाली है, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, आपका दिन शुभ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।